चुड़ैल का भूत या पपीता। रात का समय होता है, गांव के सभी लोग अपने घरों में आराम से सो रहे होते हैं। तभी रात के अंधेरे में जंगल से एक चुड़ैल गांव की तरफ आ रही होती है और वो टोकरी में पपीते लेकर बेचने के लिए गांव में निकलती है। अरे गांव आ गया, अब मुझे अपना रूप बदल लेना चाहिए, नहीं तो गांव के लोग मुझे चुड़ैल के रूप में देख लेंगे तो मुझे पहचान लेंगे। ऐसा सोचकर चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है, जिसके बाद वो पपीते की टोकरी लेकर गांव में पपीता बेचना शुरू कर देती है। ले लो जी, ले लो पपीते, ताजे ताजे पीले पीले पपीते। आओ भाई साहब, पपीता ले लो, एक बार जो खाओगे तो बार बार मांगोगे। दिखने में तो तुम्हारे पपीते बड़े ताजे और पीले पीले हैं, लेकिन इनका स्वाद कैसा होगा पता नहीं। चलो एक पपीता तो दे ही दो। चुड़ैल उसे अपने ढेर सारे पपीते में से एक एक पपीता देने लगती है। जैसे ही निरंजन पपीता लेने के लिए आगे हाथ बढ़ाता है, चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उसका हाथ पकड़ लेती है। तुझे क्या लगा कि मैं तुझे पपीता बेचने के लिए यहाँ पर आई हूँ? अरे मूर्ख, देख तेरे सामने तेरी मौत खड़ी है, अब बता तू क्या करेगा। अरे चुड़ैल छोड़ दो मुझे, अरे मैंने तेरा क्या बिगाड़ा है, अरे तू मेरे पीछे क्यों पड़ी, अरे अरे आखिर तू चाहती क्या है, अरे इस गांव में तो और भी लोग हैं, मुझे छोड़ दे, मैं तेरा शिकार ढूंढ कर ला दूंगा। तू एक चुड़ैल का लालच दे रहा है, अरे अब देख मैं तेरा क्या हाल करती हूँ। चुड़ैल उसे उठा उठा कर पटकने लगती है, जिसके बाद चुड़ैल उस आदमी को पपीता बनाकर अपने पपीते की टोकरी में डाल लेती है। वो टोकरी को सर पर उठाकर पपीता बेचने लगती है। ऐसे ही वो रोज रात के समय पपीता बेचने के लिए निकल पड़ती है। धीरे धीरे गांव के कई लोग गायब हो जाते हैं, जिसके चलते गांव के सभी लोग आपस में बात करते हैं। कई दिनों से देख रहा हूँ गाँव में कभी कोई गायब होता जा रहा है, आखिर कौन है जो हमारे गांव से लोगों को इस तरह गायब कर रहा है। मेरे पति 2 दिन से लापता है, कोई खोज खबर नहीं, कोई सुराग नहीं, आखिर वो कहां गायब हो गए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मैं तो कहती हूं कि इस बात की इंतला हमें पुलिस को दे देनी चाहिए, जब तक हम पुलिस को रपट नहीं लिखवाएंगे तब तक हमें कुछ पता नहीं चलेगा कि आखिर लोग कहां गायब हो रहे हैं। करिश्मा की बात मानकर गांव के सभी लोग अपने गांव के थाने में जाकर रिपोर्ट लिखवा देते हैं, जिसके बाद पुलिस यहां वहां लोगों को ढूंढने लगती है, लेकिन इतनी छानबीन करने के बाद भी पुलिस वालों को कोई सुराग नहीं मिलता। एक दिन रात के समय चुड़ैल फिर से गांव में पपीता बेचने के लिए पहुंच जाती है। आखिरकार मैं गांव में पहुंच ही गई, अब मुझे अपना रूप बदल लेना चाहिए। चुड़ैल अपना रूप बदल लेती है और वो एक इंसानी रूप में आ जाती है, जिसके बाद वो पपीते बेचने लगती है। ले लो जी, ले लो पपीते, ताजे ताजे पीले पीले पपीते। आओ भाई साहब, पपीता ले लो, एक बार जो खाओगे तो बार बार मांगोगे। चुड़ैल पपीता बेचते बेचते गांव में यहां से वहां घूमने लगती है। वहीं दूसरी तरफ चुड़ैल को इंसान रूप में बदलते हुए हरिया देख लेता है और उसका पीछा करते करते वो भी यहां से वहां घूमने लगता है। आखिर ये चुड़ैल हमारे गांव में कर क्या रही है, इसका मकसद क्या है, मुझे इस बात का पता लगाना ही होगा। तभी हरिया देखता है कि चुड़ैल एक औरत को पपीता बेच रही होती है। जैसे ही वो औरत चुड़ैल से पपीता लेने वाली होती है, चुड़ैल अपने असली रूप में आ जाती है और उसे अपने बाकी पपीते जैसा बनाकर टोकरी में डाल लेती है। ये सब देखकर हरिया दंग रह जाता है। धत तेरी की, इसका मतलब गांव के लोग इस प्रकार गायब होते जा रहे हैं, ये चुड़ैल हमारे गांव के लोगों को मारकर उन्हें ले जाती है, इस बात की खबर तो मुझे गांव के सभी लोगों को देनी ही होगी। हरिया चुड़ैल के जाने तक छिपा रहता है, जिसके बाद अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, हरिया गांव के सभी लोगों को इकट्ठा करता है और उन्हें चुड़ैल की हकीकत के बारे में बताता है। मेरी बातों का विश्वास करो, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा है, वो पपीता बेचने आती है और लोगों को मार कर अपने टोकरी में ले जाती है। अगर ऐसा है तो हम सबको सतर्क रहना होगा, वरना वो चुड़ैल हमारे ऊपर कभी भी हमला कर सकती है। आखिर वो चुड़ैल ऐसा क्यों कर रही है, हमें उस चुड़ैल को ऐसा करते हुए रोकना होगा, लेकिन हम उस चुड़ैल को रोकेंगे कैसे,
वो चुड़ैल तो बहुत शक्तिशाली होगी। अपासी के गांव में अघोरी बाबा रहते हैं, वो हमारी मदद कर सकते हैं। आज रात मैं किसी भी तरह से उन्हें लाने की कोशिश करूंगा। तुम सभी अपने अपने घर से बाहर मत निकलना जी। कमलेश अघोरी बाबा को लेने के लिए निकल पड़ता है। देखते ही देखते दिन ढल जाता है और रात होने लगती है। रात होते ही गांव के सभी लोग अपने अपने घरों में घुस जाते हैं। कोई भी गांव में यहां से वहां नहीं घूमता। रात के समय चुड़ैल फिर से पपीता बेचने के लिए गांव में पहुंच जाती है, लेकिन यहां वहां किसी को भी न देखकर वो हैरान रह जाती है। अरे अरे, गांव में तो कोई भी दिखाई नहीं दे रही है, आखिर कहां गए सभी के सभी। वह ऐसा सोच ही रही होती है कि तभी कमलेश अघोरी बाबा को लेकर उसके पास पहुंच जाता है। जैसे ही चुड़ैल अघोरी को देखती है, वो गुस्से में अघोरी बाबा से कहती है, अच्छा तो मेरी सच्चाई गांव वालों को पता चल ही गई, तभी तुझे ये लोग मुझसे लड़ने के लिए लेकर आए हैं। लेकिन तू कान खोल कर सुन ले अघोरी, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी, मुझे इन गांव वालों से बदला लेना है। देख चुड़ैल, सीधी तरह पूछता हूँ, सही सही जवाब दे दे। आखिर तू इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? आखिर इन्होंने तेरा क्या बिगाड़ा है? तू होता कौन है मुझसे ये पूछने वाला? तू जानता नहीं है अघोरी कि मैं कितनी शक्तिशाली हूँ। तीखी मिर्ची है तू, ऐसे नहीं मानेगी। अघोरी अपने मंत्रों द्वारा पढ़ी हुई भभूति चुड़ैल के ऊपर फेंक देता है, जिसके बाद चुड़ैल तड़पने लगती है और कहती है, रुक जा तांत्रिक, ऐसा मत कर, मैं तुझे सब कुछ बताती हूँ। कुछ ही समय पहले की बात है, मैं इस गांव में रहा करती थी। मैं बहुत गरीब थी, इसलिए पपीते बेचा करती थी, लेकिन गांव का कोई भी आदमी मुझसे पपीता खरीदता ही नहीं था, जिसके चलते मेरे सारे पपीते सड़ गए। एक दिन मुझे बहुत तेज भूख लगी थी, मेरे पास कुछ खाने को नहीं था सिवाय सड़े गले पपीते के। मैंने सड़े गले पपीते खा तो लिए, लेकिन उससे मेरी मृत्यु हो गई। लेकिन मरने के बाद मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली, जिसके कारण मैंने इस गांव के लोगों से बदला लेने का सोचा। देख चुड़ैल, तेरी मौत का ताल्लुक इस गांव वालों से नहीं है, तू अपने पपीता खाने की वजह से मरी है। ये बेकसूर हैं, इन्हें छोड़ दे और यहाँ से चली जा, वरना ठीक नहीं होगा। नहीं जाऊंगी, कहीं नहीं जाऊंगी, मैं इस गांव के सभी लोगों को मार दूंगी और तू मेरा कुछ नहीं कर पाएगा। अघोरी के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल उसकी एक नहीं सुनती है, जिसके बाद अघोरी बाबा उसके ऊपर मंत्रों का उपचार करते हैं। जडाटवी गलत ज्वला प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वडमर वयम चकार चंड तांडवम तनोतुना शिव शिवम तनोतुना शिव शिवम तनोतुना शिव शिवम। मंत्रों के उपचार के बाद अघोरी बाबा चुड़ैल के ऊपर पवित्र गंगा जल छिड़क देते हैं, जिसके बाद चुड़ैल वहीं जलकर खाक हो जाती है और गांव वालों को चुड़ैल से हमेशा के लिए मुक्ति मिल जाती है, जिसके बाद से गांव में फिर कभी कोई गायब नहीं होता। अब गांव वाले खुशी खुशी अपना जीवन बिताने लगते हैं। जामुन के पेड़ पर तीन चुड़ैल। आधी रात के समय जंगल के अंदर एक जामुन का पेड़ होता है, जिसके ऊपर तीन बहुत ही भयानक चुड़ैल बैठकर आपस में बात कर रही होती हैं। अरे ओ मेरी बहन छाया और माया, बहुत दिन हो गए आज गांव की सैर लगाए हुए, चलो जरा गांव की सैर करके आते हैं। अरे मैं ये सब जानती हूँ कि तू गांव की सैर क्यों करना चाहती है, तुझे तो बस शिकार ढूंढने से मतलब है, जिसे तू परेशान कर सके। अरे अगर हम तीनों यहाँ से चली जाएंगी तो इस जामुन के पेड़ की रखवाली कौन करेगा? अगर किसी ने इस जामुन के पेड़ के जामुन खा लिए तो तुम दोनों जानती हो ना क्या हो सकता है। अरे हाँ हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन हमें ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, चलो ना एक छोटी सी सैर करके आते हैं। मैं जानती हूँ, तुम्हें कितना भी समझा लूँ तुम नहीं मानोगी, चलो अब इतना कह रही हो तो एक सैर करके आ ही जाते हैं।
आधी रात के समय छाया, काया और माया तीनों गांव की सैर करने के लिए निकल जाती हैं। गांव पहुंचते ही उन्हें एक आदमी पनघट पर पानी से नहाता हुआ दिखाई देता है, जिसे देखकर काया कहती है, अरे बा, देखो तो सही, उसे कितने आराम से नहा रहा है। मेरा मन कर रहा है उसे थोड़ा सा परेशान करने का। चलो उसे थोड़ा परेशान करते हैं। तुम्हें तो बस लोगों को परेशान करने से मतलब है। अरे बेचारा नहा रहा है, उसे नहाने दो, क्यों परेशान कर रही हो? अगर तुम दोनों को मेरे साथ नहीं चलना तो मत चलो, मैं तो जा रही हूँ। इतना कहकर काया उस आदमी को परेशान करने के लिए वहाँ पहुँच जाती है। सबसे पहले तो वो पनघट के पानी के अंदर घुस जाती है और डरावनी आवाज निकालने लगती है, चले जाओ यहाँ से, चले जाओ, नहीं तो अच्छा नहीं होगा। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो पनघट के पानी में डुबो डुबो कर तुम्हें मार दूंगी। हे भगवान, ये आवाज कहाँ से आ रही है? कुछ समझ नहीं आ रहा, मुझे तो कुछ गड़बड़ लग रही है, मेरा यहाँ से जाना ही ठीक होगा। ये सोचकर वो आदमी तुरंत अपने कपड़े पहनता है और पनघट के पानी से बाहर निकलकर वहाँ से जाने लगता है, जिसके बाद काया जोर जोर से हंसने लगती है और माया और छाया से कहती है, अरे देखा तुमने, मैंने किस तरह उसे डराया, कितना मजा आता है लोगों को डराने में। मैं तो जानती ही थी कि तुम गांव में सिर्फ इसीलिए आई हो ताकि तुम लोगों को डरा सको। अरे अगर मैं थोड़ी सी मटर गश्ती कर लूंगी तो क्या ही चला जाएगा, तुम ही तो बस डांटने से ही मतलब है, और कोई काम नहीं है क्या तुम्हारे पास? जाओ तुम भी थोड़ा सा गांव की अच्छे से सैर करके आ जाओ। अरे नहीं नहीं, अब और नहीं, हम पहले ही बहुत देर से अपने जामुन के पेड़ से दूर हैं, अब हमें वापस चले जाना चाहिए। माया और छाया हवा में उड़कर जाने लगती है कि तभी काया भी उनके पीछे पीछे उनके साथ चलने लगती है। कुछ ही देर में तीनों अपने जामुन के पेड़ के पास पहुंच जाती हैं। तभी उन्हें कुछ लोग जामुन के पेड़ से जामुन तोड़ते हुए दिखाई देते हैं, जिन्हें देखते ही वो तीनों बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और आपस में बात करने लगती हैं। ओह, इन लोगों ने तो हमारे जामुन के पेड़ के जामुन तोड़ लिए, अब हम क्या करें? अब हम कर भी क्या सकते हैं, ये सब तुम्हारी ही वजह से हुआ है। तुम अगर हमें गांव की सैर कराने के लिए नहीं लेकर जाती तो शायद ये सब नहीं होता। अरे लड़ना बंद करो और कुछ सोचने की कोशिश करो, हमें उन्हें वो जामुन ले जाने से रोकना होगा, नहीं तो इसका अंजाम बहुत से बहुत ज्यादा बुरा होगा। छाया की बात मानकर माया और काया दोनों ही कुछ तरकीब निकालने की कोशिश करती हैं। वहीं दूसरी तरफ वो गांव के लोग उस जामुन के पेड़ से जामुन तोड़कर ले जा रहे होते हैं, जिसके बाद छाया अपना रूप बदल लेती है और माया से कहती है, देखो माया, मैं अपना रूप बदल कर उन लोगों के सामने जा रही हूँ, मैं उनका ध्यान भटकाने की कोशिश करूंगी। जैसे ही मैं उनका ध्यान भटकाऊंगी, काया तुम चारों तरफ अंधेरा कायम कर देना, माया तुम उसी वक्त उनके जामुनों को उनसे चुरा लेना। काया और माया छाया की बात मान लेती हैं, जिसके बाद छाया उन आदमियों के सामने जाकर उनसे कहती है, अरे अरे, इतनी रात में तुम लोग कहाँ जा रहे हो? हम तो अपने घर जा रहे हैं, लेकिन इतनी रात गए तुम्हें इस जंगल में घूमते हुए डर नहीं लग रहा? मुझे कैसा डर, ये जंगल मेरा ही तो है। अरे मेरे कहने का मतलब है कि मैं बचपन से इस जंगल में घूम रही हूँ, मुझे इस जंगल में घूमने में बहुत मजा आता है। वैसे तुम लोग इतने सारे जामुनों को लेकर कहाँ जा रहे हो? मैंने सुना है इस जामुन के पेड़ से अगर कोई जामुन खा ले तो वो अमर हो जाता है, तो बस हम लोग इन जामुन को ले जाकर ऊंचे दामों में बेचेंगे और इन्हें खाएंगे भी, ताकि हम भी अमर हो जाएं और लोग भी अमर हो जाएं और साथ ही साथ हम अच्छा खासा पैसा भी कमा लें। उन आदमी की ये बात सुनकर छाया अचंभित रह जाती है, जिसके बाद छाया बातें कर करके उनका ध्यान भटकाने लगती है कि तभी अचानक से काया उनके चारों तरफ अंधेरा कायम कर देती है और उसी समय माया उन जामुनों को उनसे चुरा कर वहां से गायब हो जाती है। कुछ ही देर में जैसे ही उनके चारों तरफ से अंधेरा गायब होता है, उन्हें अपने सामने तीन बहुत ही भयानक चुड़ैल दिखाई देती है। तुम्हें क्या लगा कि तुम हमारे जामुन के पेड़ से बहुत ही आसानी से जामुन ले जाओगे? इस जामुन के पेड़ की रक्षा करने का फर्ज हमारा है और हम इस जामुन के पेड़ के जामुन किसी को भी नहीं ले जाने देंगे। अगर अगली बार दोबारा हमारे जामुन के पेड़ के आस पास भी नजर आए तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, चले जाओ यहाँ से। अपने सामने तीन भयानक चुड़ैलों को देखने के बाद वो दोनों वहाँ से 9-2-11 हो जाते हैं, जिसके बाद ये बात ये गाँव के लोगों को जाकर। तीन भूतिया आम का पेड़। अंधेरी रात में चंदनपुर गांव में तीन भूतिया आम के पेड़ की कहानी बहुत ही फेमस थी। ऐसा माना जाता था कि रात के समय यदि कोई भी उस आम के पेड़ के नीचे खड़ा भी होता तो आम के पेड़ का भूत उसे जिंदा नहीं छोड़ता।
ऐसे एक रात की बात है, ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी कि तभी वहां उस भूतिया आम के पेड़ के पास विश्वास और राज नाम के दो दोस्त अपने गांव की तरफ जा रहे थे कि तभी राज बोलता है, यार विश्वास, मैं तो बहुत ही ज्यादा थक चुका हूँ, मुझे थोड़ी देर के लिए रेस्ट चाहिए। उधर देख, वहाँ पर 3 आम के पेड़ है, क्यों ना हम उस आम के पेड़ के नीचे थोड़ा सा रेस्ट कर लें। अरे राज, लेकिन मैंने सुना है कि वो 3 आम के पेड़ कोई मामूली नहीं बल्कि भूतिया आम के पेड़ हैं। अरे कैसी बेहुदा बातें कर रहा है तू, भूत भात कुछ नहीं होता, चल मेरे साथ। रसीले आम को देखकर अब विश्वास के मन में भी लालच आ जाता है, जिसके बाद विश्वास भी राज के साथ पहुंच जाता है। जैसे ही राज पेड़ के ऊपर चढ़ता है, वैसे ही राज को ऐसा महसूस होता है कि उसको किसी ने पीछे से धक्का देकर गिराने की कोशिश की है, लेकिन राज अपना बैलेंस बनाते हुए विश्वास को बोलता है, अरे विश्वास, ये क्या कर रहा है तू, तू पेड़ को क्यों हिला रहा है? ये कैसी बेहुदा बकवास कर रहा है तू, मैं पेड़ को हिला नहीं रहा हूँ यार। अगर विश्वास इन पेड़ों को नहीं हिला रहा तो आखिर इस पेड़ को कौन हिला रहा है? इतना सोचकर वो उस बात को नजरअंदाज करता है और आम तोड़कर नीचे आ जाता है। थोड़ी देर बाद विश्वास और राज दोनों ही बड़े मजे से आम को खा रहे थे कि तभी उनको किसी के हंसने की आवाज आती है। खा लो, जितना आम खाना है खा लो, क्या पता सुबह का सूरज तुम देख पाओ या ना देख पाओ। भाई राज, भला मैं तुझे पेड़ से नीचे क्यों गिराना चाहूंगा? अरे तो क्या हो गया, मैंने तेरे को कुछ बोला थोड़ी ना है। अगर तू मुझे कुछ बोल नहीं रहा या मुझसे नाराज नहीं है तो मुझे डरा क्यों रहा है, और ये क्यों कह रहा है कि आज मेरी आखिरी रात होगी? यार विश्वास, तू कैसी बात कर रहा है? वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वो पेड़ हंसने लगते हैं और अचानक ही हिलने लगते हैं। उन तीनों पेड़ में से एक पेड़ के पैर निकल जाते हैं और वो पेड़ चलकर राज और विश्वास के सामने आ जाता है। पेड़ को चलता हुआ देख विश्वास और राज अपने होशो हवास खो बैठते हैं और वो अपनी जान बचाते हुए भागने लगते हैं। वो दोनों भाग ही रहे थे कि तभी विश्वास भागते हुए राज को बोलता है, देख लिया आम के लालच का नतीजा। अरे तुझको किसने बोला था इस पेड़ में आम तोड़कर खाने को? मैं तो तुझे शुरू से मना कर रहा था, ले खा लिए आम और अब भुगत इन भूतिया पेड़ों को। अरे यार मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, लेकिन अब हम इन भूतिया आम के पेड़ों से बचे तो बचे कैसे? वो दोनों बात कर ही रहे थे कि तभी वो भूतिया पेड़ अपनी डाल को आगे बढ़ाते हैं और राज और विश्वास के पैरों को लपेटकर उनको नीचे गिरा देते हैं, जिसके बाद वो अपनी डालों के साथ ही राज और विश्वास दोनों को भी खींचते हुए अपने भूतिया पेड़ के पास ले आते हैं और उनसे बोलते हैं, तुम लोगों ने हम आम के पेड़ों के आम खा तो लिए, लेकिन अब इसका हर्जाना कौन भुगतेगा? हमारे एक आम की वैल्यू एक इंसान की मौत है और तुमने तो न जाने कितने आम खा लिए। हाँ, दो आदमी की कीमत दो लोगों की जान है, लेकिन तुमने तो काफी आम खाए हैं, इसलिए आम की कीमत तुम्हारी मौत के साथ तुम्हारा गांव भी चुकाएगा। अरे भाइयों, क्या हम इन लोगों से गप्पे ही लड़ाते रहेंगे या हम इन्हें मारेंगे भी? उसकी बात सुनकर वो तीनों अपनी डाल की शाखाएं निकालते हैं और अपनी शाखाएं राज और विश्वास के पेट में घोंप देते हैं। इस तरह राज और विश्वास मर जाते हैं और वो भूतिया पेड़ उन दोनों की लाश को अपने पेड़ में उल्टा लटका देते हैं। वो पेड़ भूतिया था, इसीलिए लोग उस पेड़ के आसपास से गुजरना भी पसंद नहीं करते थे, लेकिन रात के समय वो पेड़ अपनी डाल की शाखा लंबी करता है और हर रात वो किसी न किसी आदमी को गांव से उठा लेता है और अपने पेड़ के पास मारकर उसे उल्टा लटका देता है। ये सिलसिला यूं ही चलता रहा और गांव में लोग अब कम होते गए। ये सब देख गांव का मुखिया बोलता है, गांव वालों, उस भूतिया पेड़ का आतंक दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है, आखिर वो भूतिया पेड़ हमसे क्या चाहता है और वो हम गांव वालों को क्यों मार रहा है? इसका पता हम सभी को लगाना ही होगा, इसलिए आज रात हम सभी उस भूतिया पेड़ के पास जाएंगे और उससे उनका सच जानेंगे। हाँ बिल्कुल मुखिया जी, मैं और सभी गांव वाले आपकी बात से सहमत हैं, हम सभी आपके साथ हैं। इतना कहकर वो सभी लोग अब गांव में रात होने का इंतजार करने लगते हैं और जैसे ही रात होती है वैसे ही मुखिया और गांव के बाकी लोग उस आम के पेड़ के पास जाते हैं, जिसमें से मुखिया अपने हाथों में मशाल लिए आगे बढ़ता है और उस आम के पेड़ से सवाल करता है, ओए भूतिया पेड़, आखिर तू कौन है और तू हमारे गाँव वालों को क्यों मार रहा है? जैसे मुखिया ये बात बोलता है वैसे ही उन तीनों पेड़ की आंख नाक मुंह बन जाते हैं, जिसके बाद वो भूतिया पेड़ बारी बारी से बोलते हैं, देख रहे हो भाइयों,
हम तो एक एक करके लोगों को मार रहे थे, लेकिन ये मूर्ख गांव वाले एक साथ हम लोगों के पास आ गए। खैर कोई बात नहीं, इन लोगों को हम लोग मार देते हैं। हम लोगों को तुम्हारी हंसी और तुम्हारी फालतू बकवास सुनने का कोई शौक नहीं है। तुम हमें बस इतना बताओ कि तुम हम लोगों को क्यों मार रहे हो। तुझे सच जानना है ना, तो सुन। एक बार की बात है, मैं बंटी और शंटी, हम तीनों दोस्त आंधी तूफान में आम के पेड़ के पास आए। जब हम लोग यहाँ पर आए तो इस पेड़ पर हमें खूब सारे आम दिखाई दिए। हम लोग आम खाने के बहुत ही शौकीन थे, और जब हमने ये आम देखे तो हमसे रहा नहीं गया और हम तीनों आम तोड़ने के लिए एक पेड़ पर चढ़ गए कि तभी अचानक ही तूफान आता है और हम इस ऊंचे पेड़ से नीचे एक झटके में गिर जाते हैं। इस पेड़ से नीचे गिरने की वजह से हमारे सिर में चोट लग जाती है और चोट लगने की वजह से हम तीनों की मौत वहीं पर हो जाती है। हम तीनों उस दिन मर गए, लेकिन हमारी आत्मा इस पेड़ में कैद हो गई। तब से हम इस पेड़ के अंदर ही हैं। अब हमें तुम इंसानों को मारकर खाने में बहुत मजा आता है, इसलिए हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे और एक एक करके सभी को खा जाएंगे। उन लोगों की यह हरकत देखकर गांव वालों को ये पता चल गया था कि ये तीनों पेड़ बहुत ही जिद्दी हैं। इसीलिए रजत, मुखिया और गांव का एक आदमी उस भीड़ से बाहर आते हैं और उस पेड़ में आग लगा देते हैं। धीरे धीरे वो पेड़ जलकर राख हो जाता है और इस तरह उस भूतिया आम के पेड़ से गांव वालों को मुक्ति मिल गई थी। इस तरह अब ना तो गांव में कभी किसी की मौत हुई और ना ही अब गांव में खौफ का माहौल फैला था। पूर्णिमा की रात थी, चारों तरफ घना अंधेरा था। जंगल से जंगली भेड़ियों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी। बहुत तेज आंधी भी चल रही थी, जिसके कारण गांव के सभी लोग अपने घरों में जाकर आराम कर रहे थे। इतनी रात में एक बहुत ही भयानक गर्भवती जलपरी चुड़ैल पानी के अंदर से तेज रफ्तार के साथ तैरती हुई समुद्र के किनारे आकर रुकती है, जिसके बाद वो वहाँ से सीधे गाँव की तरफ जाने लगती है। को नहीं छोड़ूंगी, कोई नहीं बचेगा, सबके सब मरेंगे। जिसने भी मेरे साथ बुरा किया था, अब मैं सबसे चुन चुन कर बदला लूंगी। जलपरी चुड़ैल स्मेल सूंघती हुई सीधा मुखिया के घर जाकर रुकती है, और जैसे ही वो मुखिया के कमरे की खिड़की से झांक कर उसे देखती है, उसकी आंखें लाल हो जाती हैं और उसकी आंखों से खून टपकने लगता है। यही है वो जिसने मेरा ये हाल किया था। आज इसकी वजह से मेरी ये हालत हुई है, मैं इसे नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर गर्भवती जलपरी चुड़ैल मुखिया के घर में घुस जाती है, जिसके बाद वो अपनी शक्तियों से मुखिया को हवा में उड़ा देती है और दीवारों पर तो कभी फर्श पर पटक पटक के मारने लगती है। चुड़ैल मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो चुड़ैल, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे अपनी गलती का बहुत पछतावा है। मैंने जो तुम्हारे साथ किया वो बहुत ही गलत था, मैं अपनी गलती की माफी मांगता हूँ, मुझे छोड़ दो। तुझे छोड़ दूँ? तू तो सबसे बड़ा राक्षस है, तुझे मैं कैसे छोड़ दूँ? मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी, तुझे मार कर ही मेरा बदला पूरा होगा। ये कहकर जलपरी चुड़ैल उसे अपने साथ खींचती हुई समुद्र के किनारे ले आती है और मुखिया को समुद्र के अंदर फेंक देती है। अब बाकियों को भी इसी तरह मार दूंगी। तुम गांव के लोगों ने मेरे साथ बहुत बुरा किया, अब मैं किसी को नहीं छोड़ूंगी। इंसानों में इंसानियत नाम की कोई चीज नहीं होती। गर्भवती जलपरी चुड़ैल मुखिया को मारने के बाद समुद्र के अंदर ही तैरती हुई कहीं गायब हो जाती है, जिसके बाद अगले दिन मुखिया की पत्नी कौशल्या मुखिया को गांव में यहाँ वहाँ ढूंढती रहती है। और जब उसको मुखिया का कोई पता नहीं चलता, तब एक गज्जू नाम का लड़का कौशल्या के पास भागता हुआ आता है और उससे कहता है, आंटी आंटी जल्दी से मेरे साथ समंदर के किनारे चलो, मुझे आपको कुछ दिखाना है। उस लड़के की बात सुनकर कौशल्या समुद्र के किनारे उसके साथ चली जाती है, जिसके बाद गज्जू उसे समुद्र के किनारे मुखिया की लाश दिखाता है। मुखिया की लाश को समुद्र की खतरनाक मछलियों ने बहुत ही बुरी तरीके से नोच रखा था, जिसे देखकर कौशल्या फूट फूट कर रोने लगती है। हाय, मैं लुट गई, बर्बाद हो गई, मेरा सुहाग उजड़ गया,
अब मैं क्या करूंगी? इस दुनिया में मेरा मेरे पति के अलावा कोई नहीं था। भगवान, तूने मेरे साथ अनर्थ क्यों किया? कौशल्या का रो रो कर बहुत बुरा हाल हो जाता है, जिसके बाद गांव वाले मिलकर कौशल्या को किसी तरह संभालते हैं और गांव के मुखिया की बॉडी को उठाकर शमशान घाट ले जाते हैं और उसका अंतिम संस्कार कर देते हैं, जिसके बाद गांव के सभी लोग वापस से अपने अपने कामों में जाकर लग जाते हैं। लेकिन जैसे ही धीरे धीरे रात होती है, आधी रात के समय समुद्र से गर्भवती जलपरी चुड़ैल फिर से निकल कर गाँव में पहुँच जाती है और उसके बाद वो गांव के कुछ लोगों की स्मेल सूंघकर उनके घर पहुंच जाती है और उन्हें मार कर खाने लगती है। इंसान कितने स्वादिष्ट होते हैं, इन्हें खाकर तो बहुत ही मजा आ जाता है। चुड़ैल गांव के कई लोगों को खा जाती है, जिसके बाद वो उन्हें अपने साथ समुद्र के किनारे ले जाती है और समुद्र के अंदर फेंक देती है। ऐसे ही अगले दिन फिर से गांव के लोगों को गांव के ही कुछ लोगों की लाश समुद्र के किनारे पड़ी हुई मिलती है। ए भगवान, ये सब क्या हो रहा है? आखिरकार ये रोज रोज समुद्र के किनारे लाश कहाँ से आ रही है? कौन है जो गांव के लोगों को मारता जा रहा है? कोई गांव के लोगों से अपनी दुश्मनी निकाल रहा है, वरना इतने सारे लोगों को कोई कैसे मार सकता है? नहीं नहीं, मुझे तो ये सब किसी खतरनाक चुड़ैल का काम लग रहा है। इतने लोगों का एक साथ मरना कोई मामूली बात नहीं है, और कोई मामूली इंसान इतने लोगों को मार भी नहीं सकता। हमें इसका उपाय निकालना होगा। हाँ, सही बोल रही हो तुम। हमारे गांव की काली पहाड़ी के ऊपर एक तांत्रिक बाबा रहते हैं, वो हमारी सहायता जरूर करेंगे। बूढ़ी औरत की बात सुनकर रमेश तांत्रिक बाबा को लेने के लिए काली पहाड़ी पर पहुंच जाता है, जिसके बाद वो तांत्रिक बाबा को अपने साथ जंगल के रास्ते लेकर आ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ आधी रात के समय समुद्र से गर्भवती जलपरी चुड़ैल बहुत ही रफ्तार के साथ तैरती हुई समुद्र के किनारे पहुँच जाती है, जिसके बाद वो वहाँ से गाँव की तरफ बढ़ने लगती है। को खाकर मैं अपनी भूख मिटाऊंगी। बहुत मजा आएगा। जैसे ही चुड़ैल गांव के अंदर पहुंचती है, गांव के सभी लोग अपने हाथों में मशाल लिए एक साथ इकट्ठे होते हैं और गर्भवती जलपरी चुड़ैल को देखकर बहुत डर जाते हैं। हे भगवान, ये चुड़ैल दोबारा से आ गई, अब हम लोग क्या करें? तांत्रिक बाबा भी अभी तक नहीं आए। तुम सब तो एक साथ इकट्ठे हो, अब मुझे ज्यादा मेहनत नहीं करनी होगी और मैं तुम सभी को एक साथ खा जाऊंगी। और जो बचा खुचा रहेगा ना, वो अपने समुद्र की मछलियों को खिला दूंगी। चुड़ैल, तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, हम तुझसे मुकाबला करेंगे, जरूर करेंगे। गांव वालों की बात सुनकर गर्भवती जलपरी चुड़ैल को बहुत गुस्सा आ जाता है, जिसके बाद वो गुस्से से गांव वालों के ऊपर हमला कर देती है। गांव वाले मशाल से अपने आप को बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर भी चुड़ैल कई लोगों को घायल कर चुकी थी। तभी वहां तांत्रिक बाबा पहुंच जाते हैं और चुड़ैल को अपने वश में करने के लिए अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं, जिसके बाद चुड़ैल मंत्रों को सुनकर कमजोर पड़ जाती है। चुप हो जा तांत्रिक बाबा, तू ये सब क्या कर रहा है? तू एक जलपरी होकर इन गांव वालों को क्यों परेशान कर रही है? आखिर इन्होंने क्या बिगाड़ा है तेरा? इन्होंने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी, मेरा सपना तोड़ दिया। मेरे कुछ अरमान थे जो इन लोगों की वजह से खत्म हो गए। आज इन लोगों की वजह से मैं अपने बच्चे को जन्म नहीं दे सकी। कुछ महीने पहले की बात है, मैं समुद्र में रहा करती थी, मैं गर्भवती थी, कई साल बाद मुझे बच्चा होने वाला था, मैं बहुत खुश थी, मैं समुद्र की रानी थी। एक दिन की बात है, जब इस गांव का मुखिया पानी के जहाज पर समुद्र की सैर कर रहा था,
मैं अपने पति जलपरे के साथ समुद्र की सैर कर रही थी, तभी गांव के मुखिया की नजर हम दोनों के ऊपर पड़ गई और उसने हम दोनों को मछुआरों के जाल के जरिए पकड़ लिया, जिसके बाद हम दोनों को म्यूजियम में ले जाना चाहता था। वो मेरे पेट में बच्चा था। हम दोनों ने अपनी जान बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसने हमें पकड़ लिया। पानी से बाहर निकलने के बाद कुछ ही समय में हम दोनों की जान चली गई, लेकिन मेरी आत्मा को शांति नहीं मिली और मैं चुड़ैल बन गई। और उसके बाद मैंने गांव के मुखिया को मारकर अपना बदला पूरा किया। लेकिन इंसानों में इंसानियत नहीं होती, इसीलिए मैं गांव वालों को मारती जा रही हूँ। तू अपना बदला पूरा कर चुकी है, अब तुझे यहाँ से जाना होगा। तू बेवजह इन गांव वालों को मार नहीं सकती। मैं कहीं नहीं जाऊंगी। मैं इन गांव वालों को मार दूंगी। अगर तुझे अपनी जान प्यारी है तो तू लौट जा, जा, नहीं तो मैं तुझे भी मारकर खा जाऊंगी। चुड़ैल, मैं तुझे आखिरी बार समझा रहा हूँ, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तेरा बहुत बुरा हाल करूँगा। तांत्रिक बाबा के कई बार समझाने के बाद भी चुड़ैल बाबा की बात नहीं मानती, जिसके बाद तांत्रिक बाबा मसालों के द्वारा एक अग्नि जलाते हैं और उसके बाद वो अग्नि के चारों तरफ घूमते हैं और घूमते घूमते अपने मन ही मन एक मंत्र का जाप करते हैं, जिसके बाद वो उस मंत्र के द्वारा गर्भवती जलपरी चुड़ैल को आहुति दे देते हैं और उसके बाद गर्भवती जलपरी चुड़ैल अग्नि के अंदर प्रवेश कर लेती है और उसकी आत्मा जलकर मुक्त हो जाती है और फिर गांव वालों के ऊपर से चुड़ैल का साया हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। चांद पर बसाई भूत और चुड़ैलों ने दुनिया। वाओ, ये तारे कितने टिमटिमा रहे हैं और ये चांद तो उनसे भी ज्यादा सुंदर है। क्या हम चांद पर भी जा सकते हैं? माँ से पूछता हूँ। वो अपनी माँ के पास जाता ही है कि सुमन आकर कहती है, अरे मेरा बेटा, चांद तारों को देखकर क्या सोच रहा है? अरे माँ, मैं आपके ही पास आ रहा था। माँ, मुझे पूछना है क्या हम चांद पर जा सकते हैं? देखिए यहाँ से चांद कितना खूबसूरत लगता है। हाँ बेटा, चांद खूबसूरत तो है, पर हम चांद को सिर्फ दूर से देख सकते हैं, वहाँ जा नहीं सकते। बहुत मुश्किल होता है वहाँ जाना। नहीं है मुश्किल माँ, मुझे चांद पर जाना है, जाना है, जाना है, जाना है। अरे बेटा, ऐसा नहीं हो सकता है। ठीक है, मैं पापा के पास ही जा रहा हूँ। सनी भागता हुआ अपने पिता प्रवीण के पास जाता है। पापा पापा, माँ कहती है हम चांद पर नहीं जा सकते, पर मुझे चांद पर जाना है। प्लीज पापा, मुझे चांद पर लेकर चलो ना। देखो नील आर्मस्ट्रांग भी चांद पर गए थे, तो मैं क्यों नहीं जा सकता? बेटा, वहाँ बच्चे नहीं जाते हैं, पहले पढ़ाई कर लो फिर तुम चांद पर जाने की सोचना। अभी बहुत रात हो गई है, जल्दी से सो जाओ वरना भूत और चुड़ैल आ जाएंगे। हाँ, जो बच्चे सोते नहीं हैं, भूत और चुड़ैल उन्हें बहुत डराते हैं। ठीक है माँ पापा, मैं सो रहा हूँ। ये कहते ही सनी अपने कमरे में सो जाता है। कुछ देर बाद उसकी खिड़की से एक तेज नीली रोशनी आती है, जिसकी चमक उसके चेहरे पर पड़ती है। कर कहता है, अरे ये इतनी लाइट कहाँ से आ रही है, जरा देखता हूँ। ये कहकर सनी खिड़की की ओर जाता है, जहाँ वो एक खूबसूरत सा नजारा देखता है। आसपास बादल हैं और एक लंबी सी सीढ़ी चांद की ओर जा रही है। ये देखकर छोटा सा सनी हैरान होते हुए कहता है, अरे वाह, लगता है ये सीढ़ियाँ मुझे चांद पर ले जाएंगी, जाऊँ या नहीं? सनी सोचता है, तभी एक टिमटिमाता हुआ तारा उससे कहता है, अरे तुम तो चांद पर जाना चाहते हो ना, तो सोच क्या रहे हो, इस सीढ़ी पर पैर रखो और चांद पर जाकर मजे करो। सच? मैं चांद पर जा पाऊंगा? हाँ बिल्कुल। तभी सनी उन सीढ़ियों पर पैर रखता हुआ चांद की ओर बढ़ता है, जिसके बाद वो चांद पर पहुंचकर सुंदर नजारा देखता है, जहाँ बहुत सारे टिमटिमाते तारे, बड़े बड़े बादल थे, पर वहाँ कुछ अजीब सा था। वो हर कोई अपने अपने काम में व्यस्त था। कोई किसी से बातें कर रहा था, तो कोई खा रहा था, तो कोई चाय बना रहा था, कोई नाच रहा था, और ये सब थे भूत और चुड़ैल। भूत और चुड़ैल को देखकर सनी हक्का बक्का रह जाता है और कहता है, ये क्या, यहाँ तो चांद पर बहुत सारे चुड़ैल और भूतों ने अपनी दुनिया बसा रखी है, मुझे यहाँ से वापस जाना चाहिए।
सनी जैसे ही वापस जाने के लिए मुड़ता है तो वहाँ कोई सीढ़ी नहीं होती। ओ नो, अब तो मैं वापस जा ही नहीं सकता, इससे बढ़िया यही घूम लेता हूँ। ऐसा कहते ही सनी आगे बढ़ जाता है और देखता है एक चुड़ैल बाहर निकलकर बाल्टी का पानी लेकर किसी बाइक से जाते हुए भूत पर डाल देती है। तभी वो भूत बाइक रोक कर कहता है, अरे ओ चुड़ैल कहेगी, आंखें हैं या कंचे, दिखाई नहीं देता, मैं सामने से जा रहा हूँ और मुझ पर पानी डाल दिया, कर दिए ना मेरे ऑफिस के कपड़े खराब। हाँ तो क्या हो गया, सड़ेले अंडे जैसे छिलके की शक्ल वाले भूत कपड़े खराब हुए हैं ना, पर तेरी शक्ल तो पहले से ही खराब है। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे उल्टा जवाब दिया, एक तो चोरी ऊपर से सीधा चोरी। अच्छा बेटा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, सामने से तुम आए हो, मुझे ख्वाब तो नहीं आ रहे कि एक गंदा सा भूत मेरे घर के सामने से गुजरेगा और मेरा पोछे का पानी तुम पर आ जाएगा। व्हाट, तुमने मेरी ऑफिस के कपड़ों पर पोछे का पानी डाला है, अब तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा ही नहीं। अच्छा तुम मुझे तुम कमजोर समझते हो, मैंने भी हाथ में चूड़ियां नहीं पहनी है, आ जाओ मैदान में। झूठी कहेगी, देख तेरे हाथ में चूड़ियां भी हैं। अरे तुम्हें डायलॉग भी ना मारूं, फिर ये लोग जो हमारी स्टोरी देख रहे हैं ये इंटरेस्टिंग कैसे बनेगी। अरे हाँ भूल गया था मैं, चलो अब कैरेक्टर में आओ और लड़ो मुझसे। तभी दोनों अपनी शक्तियों से हवा में उछलकर एक दूसरे पर आग के गोले फेंकते हैं। कुछ देर तक दोनों ऐसे ही लड़ते हैं और जब बात नहीं बनती तो जमीन पर आकर एक दूसरे के बाल नोचने लगते हैं। गंदे से भूत कहीं के, आज मैं तुझे मजा चखा कर ही रहूंगी। तो तू भी सुन ले गंदी सी चुड़ैल, तुझे मैं चुड़ैल से भूत बना दूंगा। इतनी लड़ाई देखकर बेचारा बच्चा डर जाता है और कहता है, बाप ले बाप, इधर कितनी लड़ाई होती है और वो भी चांद पर, मैं तो यहाँ कभी नहीं आऊँ। उन चुड़ैल भूत को वहाँ के लोग शांत करा देते हैं और सनी आगे चला जाता है जहाँ एक चुड़ैल नर्स भूतिये बच्चे के सुई लगाती है। आहा, मम्मी पापा मुझे इनसे बचाओ, मुझे नहीं सुई लगवानी। आपका भूतिया बच्चा तो बड़ा ही चिल्लाता है, इसे पकड़ कर रखिए, अभी सुई लगाती हूँ वरना बुखार कैसे उतरेगा। जी नर्स जी। तभी वो नर्स उस भूतिया बच्चे के सुई लगा देती है जिसे देखकर सनी भाग जाता है। आगे वो देखता है कि एक सुंदर सी चुड़ैल और मेकअप करके कहती है, अरे वाह, आज तो पार्टी में सबसे ज्यादा मैं ही अच्छी लगी और मेकअप लगा लेती हूँ। आहा, मुझे और खूबसूरत दिखना है और मेकअप लगाती हूँ। ओहो, इस चुड़ैल आंटी ने मेकअप कर करके अपना मुंह और सड़ा लिया।